Morning class. Class 7th. English video. Subject laptop computer. आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपका, इसके क्वेश्चन आंसर तो आपको ये याद भी करने हैं और उतारने भी हैं। देखिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एमएस वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड प्रोसेसर के क्या क्या एडवांटेज है, यानी इसके क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं। नंबर वन आपका ऑटो कैट टू स्टोर टेक्स्ट दैट यू वांट टू यूज अगेन एंड अगेन। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट क्या होता है जो भी आप टाइप करते हैं, जो भी आप लिखते हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं जिसको आप बार बार यूज करना चाहते हैं। इससे आपकी टाइम वेस्ट नहीं होगी और फ्यूचर में भी आप उस टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, इट इंक्लूड्स चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन ए टेबल। इसमें क्या होता है, जब भी आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं तो जो उसकी ओरिएंटेशन होती है वो आप चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन दो तरह से हो सकती है, एक तो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, एक होती है आपकी वर्टिकल। नॉर्मल एमएस वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं ब्लैंक से, जैसे आप फेसबुक में देख रहे हैं जो मैंने लिखा हुआ है इससे जो आपका हॉरिजॉन्टल, तो इसी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, ब्लैंक स्पेस को बोलते हैं। ऑटोमेटिकली एनोटेशन, क्योंकि ये बार बार आ रहा है इसका मतलब ये होता है ऑटोमेटिकली इंसर्ट हाइपर्स वेयर ए वर्ड इज टू लॉन्ग टू फिट एट द एंड ऑफ ए लाइन। जब भी आप देखते हैं आप कॉपी पर भी लिखते हैं तो अगर कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड आपकी लास्ट लाइन में पूरा नहीं होता तो हम लोग क्या कर देते हैं, आधा जो वर्ड है वो ऊपर और आधा वर्ड नीचे की नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं शुरू में, वो होता है हाइपर। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में कोई वर्ड नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिक क्या करेगा ये इसको ब्रेकअप कर देगा। ब्रेक करने के बाद आधा वर्ड आपका लास्ट में जाएगा और आधा वर्ड आपका नई लाइन में शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर थ्री, वेयर डज द एरर अपीयर। जो आप एरर देखते हैं एमएस वर्ड में वो कहाँ होता है, वो होता है एट द टॉप ऑफ द पेज। जो एरर होता है वे हमेशा पेज के टॉप में होता है। ये वर्ड आपको याद भी करना है, उतारना भी है। थैंक यू।